तो दिल्ली में स्वाति मालीवाल का मामला गर्म है और उधर यूपी में अमेठी और रायबरेली में चुनावी गर्मी देखने को मिल रही, क्योंकि कल प्रियंका गांधी ने अपने तीखे तेवर से चुनाव प्रचार को और धारदार बना दिया। उन्होंने भगवान के नाम विधायक कुछ कर नहीं रहा, सांसद कुछ कर नहीं रही है, आपकी कोई सुविधा नहीं दी आपको, तो क्या कहते भगवान अगर आपके सामने खड़े होते आज, कहते खोलो अपनी आंखें, जागरूक बन जाओ, मेरे नाम पर वोट मत दो, नेता से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया है, यही कहते भगवान, क्योंकि भगवान ने हमेशा जनता की जागरूकता की बात की है, भगवान ने हमेशा ये कहा है सदियों से, हजारों वर्षों से, कि अपनी सच्चाई को पहचानो, जो आपको बताया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है, आपकी सच्चाई आज बहुत गंभीर है, आज इस देश की सच्चाई बहुत गंभीर है। एक तरफ राम मंदिर और काशी मथुरा के नाम पर वोट, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा का ये अंदाज। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है, उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं अगले दिन मन बदल देते हैं, हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है, और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की, वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं, जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। प्रियंका कल अपने भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगने रायबरेली आई थी। मोदी जी बड़े बड़े हवाई जहाजों में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और जब आपके सामने आते फिर वही बातें, बताए तो सही, मैं चुनौती देती हूँ उनको, एक चुनाव लड़ ले बेरोजगारी पे, महंगाई पे, एक चुनाव लड़ ले, एक चुनाव लड़ ले अपनी नीतियों पे, एक चुनाव लड़ ले अपनी नीतियों पे, एक बार जरा बताएं, एक बार जरा बताएं, इस देश के आम आदमी के लिए, इस देश के मिडिल क्लास के लिए, इस देश के गरीब के लिए क्या किया है, क्या किया है। कांग्रेस के लिए इस बार रायबरेली और अमेठी का चुनाव साख की लड़ाई बन गई है, और इस चुनावी जंग को जीतने में प्रियंका ने पूरी ताकत झोंक दी है। हम यहाँ आए अपने पिताजी के मृत्यु के बाद, मेरी माता जी यहाँ आई, जब मेरे पिताजी शहीद हुए तो उनके जो सपने थे अमेठी के लिए, उनको पूरा करने के लिए माता जी यहाँ आएंगी, माता जी के बाद भैया आए, और सबके दिल में यही बात थी कि एक गहरा रिश्ता है हमारा अमेठी की जनता के साथ, एक रिश्ता जो हमारे पिताजी ने जी जान से निभाया, अपना कर्तव्य समझा, ये कर्म भूमि है हमारे पिताजी की, इसीलिए मैं, राहुल जी और मेरी माता जी तीनों यहाँ हैं, तीनों ने आपके लिए काम किया। चुनावी सियासत से सोनिया गांधी के संन्यास के बाद राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उतारा है, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में प्रियंका की सक्रियता से साफ है कि इस बार उन्होंने इसे अपना चुनाव बना लिया है। रायबरेली से मौसमी सिंह और अमेठी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक। तो प्रियंका गांधी लगातार हमलावर हैं, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी भी कांग्रेस से तीखे सवाल पूछ रही हैं। कल ही उन्होंने सोने की लंका का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर वार किया। लंका बनी थी सोने की, कांग्रेस ने भी देश का बहुत सोना लूटा है, लंका बनी थी सोने की, राम जी से पहले राम भक्त पहुंचे थे लंका, जिनका नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, और हनुमान जी ने क्या किया था,
तो इसीलिए आज आम भक्तों से कहने आई हूँ, लोकतंत्र के मंदिर में पुष्प चढ़ता है ना, लोकतंत्र के मंदिर में हमें कमल का फूल चढ़ाना है। इसलिए राम भक्तों से कहती हूँ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ, 20 तारीख को भक्तों कमल का बटन। चुटीला अंदाज और सीधा वार, अमेठी से 2019 का इतिहास दोहराने के लिए चुनाव प्रचार में स्मृति ईरानी पूरे जोर शोर से लगी हैं। अपने कार्यकाल में हुए विकास का जिक्र भी कर रही हैं, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। अब इतना अहंकार तो अशोक रावण में भी नहीं था, राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे ऐसी ताकत किसी में नहीं। मैंने कहा भाई अशोक तो सलोन में है, मैं गौरीगंज में हूँ, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, दम है कांग्रेस में तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे, ईंट से ईंट ना बजा दी तो हम भी अमेठी वाले। पूरे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने बिल्कुल नए अंदाज में अपनी बात रखी। हमने सभी धर्मों का सम्मान किया, अमेठी इस बात की साक्षी है, सभी धर्मों का सम्मान किया, बिना पक्षपात के सबका काम किया, हम किसी को छेड़ते नहीं। लेकिन कांग्रेस वालों छेड़ोगे तो छोड़ने की फितरत हम भी नहीं रखते। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर किया था। इस बार राहुल गांधी मैदान में ही नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद सबकी निगाहें अमेठी की चुनावी लड़ाई पर लगी हुई हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।